हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, उर्वशी एंट्री कर रही हैं इलेक्शन में। हाल ही में उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट मिल गया है। उन्होंने खुद ये इंस्टेंट बॉलीवुड पर बताया है कि उन्हें टिकट मिल गया है। चलिए आप लोग वीडियो देख सकते हैं। यू आर अ पॉलिटिशियन, इफ यू विन आल्सो, सो व्हाट आर दोस थिंग्स दैट यू रियली वांट टू चेंज इन आवर कंट्री, या लाइक यू रियली वांट टू वर्क ऑन इट? जो चेंज करनी है, व्हिच वेज आई एम चेंजिंग इट थ्रू माय फाउंडेशन व्हिच आई हैव, उर्वशी राउटला फाउंडेशन। आई कैन डू इट विदाउट बीइंग अ पॉलिटिशियन एज वेल, बट या आई मीन, अगर यू नो, आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर। उर्वशी कैसे, मतलब कैसी पॉलिटिशियन बनेगी अगर? ऑनेस्ट, ईमानदार पॉलिटिशियन। ओह, दैट्स राइट। और कौन सी पार्टी से, कुछ ऐसी कौन सी पार्टी से टिकट मिल गई? कांट डिस्क्लोज मच। ये टिकट मिल गई। उर्वशी से जब पूछा गया कि आप कैसी पॉलिटिशियन बनेंगी, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया है कि मैं एक हॉनेस्ट और एक ईमानदार पॉलिटिशियन बनूंगी। और जब उनसे पूछा गया कि आप किस पार्टी से टिकट मिला है आपको, तो उन्होंने इस पर अभी कोई जवाब नहीं दिया है। कुछ दिनों से उर्वशी रौतेला अपनी जी अपकमिंग फिल्म JNU के लिए काफ़ी सुर्खियों में है। इस फिल्म में रवि किशन और उर्वशी रौतेला साथ में दिखाई देंगे। ये फिल्म 15 अप्रैल को रिलीज़ होगी। इस फिल्म को लेकर उर्वशी अपने इंस्टा हैंडल पर काफ़ी प्रमोशन कर रही हैं। तभी यूज़र्स ने इस फिल्म पर कमेंट करते हुए कहा, ये फिल्म पूरी प्रोपेगेंडा है। उर्वशी रौतेला के चुनाव में खड़े होने की खबर सुनकर फैंस ने जमकर रिएक्ट किए हैं। एक सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट किया है, देखिए कमेंट। ओवर एक्टिंग की दुकान उर्वशी रौतेला बहन, माफ़ कर दे हमको, कुछ तो रहम कर, आगे तेरी एक्टिंग नहीं झेली जाती, अब पॉलिटिक्स में आओगी तुम। इसके अलावा एक शख्स ने लिखा है, देखिए, जिनको नॉलेज है, जो देश हित में काम कर सकता है, उन्हें काम नहीं देंगे। अगर एक्ट्रेस एक्ट्रेस को लेंगे देश बर्बाद करने के लिए, हमें देश का मनोरंजन नहीं करना है, डेवलप करना है। तो अब आप लोगों के क्या विचार हैं उर्वशी रौतेला फिल्म JNU के लिए और लोकसभा चुनाव के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताना। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।